अच्छा तो फरहान भाई आपकी तो हाइट माशाल्लाह 6 फुट की रेंज में, आप इतना चिल कैसे बैठे हुए हैं? अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक। जिले भाई की रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल जिले भाई लाहौर से आए हैं। आप सुनाए फैसलाबाद जिंदाबाद। भाई जान स्टार्ट कर ले, शाम होने वाली है, रात पड़ी है यार। फरहान भाई छोड़ दें, करते रहेंगे रिव्यू तो होते रहते हैं। जो चीज़ मैं देख ली है ना, अंधेरा हो जाएगा यार। यार आपने क्या क्या देखा है यार दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर आप आ जाते हैं, आपने देखी होगी भाई लिमोजिन देखी होंगी, बुगाटी देखी होगी, लैम्बरगिनी देखी होंगी, क्या क्या देखा होगा। मेहरान के अंदर आपने क्या क्या देखा होगा यार? मेहरान के अंदर आपने मेरी वाली क्रूज कंट्रोल, पावर स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ देख लिया है, लिमोजिन तक देख ली भी है, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं देखी है और मैं वो आपको दिखाने लगूँ तो यार आपका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके दिल के अंदर कोई मसला हो जाए भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ ना भाई, रेडी है ना? बस आप फिर ठीक है, दिलों पे हाथ रख लें और चेक करें भाई, चेक करें क्या चीज़ है ये भाई। ओए होए होए, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, जो चीज़ मैंने देख ली है ना, ये मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई भी है। मतलब इस गाड़ी के अंदर जापानी ऑल्टो का इंजन है, वैगन आर का इसके अंदर डैशबोर्ड है, क्रूज़र की सीट्स हैं, मतलब कि जो आप सोच नहीं सकते इस गाड़ी के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर से कन्वर्टेबल भी है। शाहरुख खान की एक मूवी के अंदर ये गाड़ी आई थी, उसका आपने हमें कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। तो यार ये गाड़ी देख के मैं तो हो गया हूँ हक्का बक्का। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। तो मैं दावत देता हूँ कि इसके ऑनर हैं सर, आ जाएं सर कैमरे के अंदर, आ जाएं सर, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता आपसे मिले बगैर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? मैं मतलब यकीन करें सर बिग फैन। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सर ये शाहकार आपने मतलब सोचा कैसे, इसके बारे में थॉट प्रोसेस क्या था? ये मेरा भतीजा है अब्दुल्ला जी जी, तो लास्ट ईयर इसकी बर्थडे थी, तो मैं इसको गाड़ी गिफ्ट करना चाह रहा था, तो मैंने कहा अब्दुल्ला कोई गाड़ी बताओ। कहता यार पापा यहाँ तो होती नहीं है, स्पोर्ट्स कार उसे कहते हैं। मैं कहा यार हमें दिखाई दो तस्वीर, तो इसने कन्वर्टेबल की दिखाई। अच्छा, तो मैंने कहा यार चलो इतनी थी हम बनवा भी सकते हैं। कहता बन जाती है। मैं कहा हमारे मिस्त्री बड़े माहिर हैं। अच्छा अच्छा, तो वो फिर लास्ट ईयर मैंने ये खरीदी गाड़ी, खराब गाड़ी, बुरी हालत में थी, 89 मॉडल है ये। ठीक है, तो मिस्त्री साहब से खरीदी और फिर मैंने उसे उनको आइडिया दिया कि ऐसे बनानी है। सही है। तो वो रवायती मिस्त्री थे, कहते इसको जेन्युइन तैयार कर देते हैं। ठीक है। मैं कहा जी जेन्युइन तो हमने करवाना नहीं है। हाँ हाँ। तो फिर इसको हमने ये मॉडिफाई कर लिया, ये हैंडमेड है। अच्छा, वो बनवा के ऐड करवा दी। देन ये बम्पर्स को एक एडिशनल जो भी इसे कह लें स्कर्ट्स या क्या साइड को कहते हैं, ये एडिशनल बम्पर जो है ये इसमें हमने ऐड ऑन करवा दिया जी। तो सर ये जो आपने कर छोड़ा है ना, ये जो मैं कहता हूँ ये इंजन इसका 660 है। ठीक है, वो जो जापानीज आल्टो का है। देन वो रेडिएटर सस्पेंशन इसका हिस्सा और गियर उसके साथ चेंज कर दिया गया सारा, यानी पूरे का पूरा। और ये थोड़ा सा मेरे जहन में था कि वो ठक ठक की बजाय थोड़ा सा इस पर भी वो हम मॉडिफिकेशन कर लें। ये जो आपने बेसिकली ये जो पंप्स हैं, ये तो मुझे सिर्फ जो बड़ी गाड़ियां हैं ना इसके अंदर, जैसे लैंड क्रूजर वगैरह इस तरह की सिर्फ गाड़ियों में देखे, उससे छोटी तो कुछ मैंने ना अपनी टीनेज में देखी थी मिनी कूपर। हाँ हाँ, तो हाँ, वो हाँ। मुझे पता नहीं था कितनी महंगी है, तो मैं खरीदने चला गया, मेरे पास है 3.5, उन्होंने मांगे 25 लाख। तो मुझे आजकल आइडिया दे में रह गया, हमने बोनट को हाथ लगाया तो वो खुद ऊपर चला गया था। सही। तो वो मैंने कहा इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने कहा अंग्रेजों से ऐसे बदला लेंगे? ऐसे बदला लेंगे हमने। तो अब इसके होते हैं 12 इंच का साइज ना, तो ये 14 इंच का अलॉय रिम है, तो इसका फिर पीसीटी हेड नहीं मैच करता ना इसकी हब के साथ, ये गैप जो है ये ज्यादा, ये कम ज्यादा का इशू होता है ना, ना शराट का आता है ना किसी और का। तो ये फिर मैंने यहीं से रिम लेके आपके लाहौर भेजे मिस्त्री शाह, वहाँ पे बैठे हैं इसके रिपेयर करने वाले, तो उन्होंने इसको पूरा आल्टर करके इसका फिट करके मुझे वापस भेज दिए। तो देन फिर इसको लो प्रोफाइल टायर ले लिए साथ। देन ये क्रोला 96 के बैक व्यू मिरर्स हैं, जो अंदर से ये मैनुअली थोड़े से कंट्रोल या एडजस्ट हो जाते हैं ना, थोड़ा सा लग्जरी लेने के लिए। और डैशबोर्ड जो है इसका ये वैगनार का है, जापानी वैगनार वाली, जापानी वैगनार का है। स्टीयरिंग वो मिस्त्री साहब कह रहे हैं ये स्पोर्ट्स है, मैंने मान लिया। अच्छा, ये स्पोर्ट्स है, पावर स्टीयरिंग है? नहीं, अभी ये पावर मैंने करवाना है। ठीक है, लेकिन ये मैं उकता चुका था कि एक साल लग गया था मिस्त्रियों को बनाते बनाते ना, तो मैं गुस्से से ले आया। अच्छा। अब इसकी फाइनल फिनिशिंग होने वाली है ना, अभी ये तकरीबन 90% रहा हालत में। साइड के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके अंदर लॉक्स के वो हैंडल ये था कि इसका वो ट्रेडिशनल लॉक था। तो सर इसमें जाते कैसे हैं, टॉप के? ये बिल्कुल जनाब, चोर तो सहूलत से चला जाएगा, लेकिन हमने जनाब इसका सिस्टम किया होगा, आप इसको इजी ना लें। ये देखें, ये बंद होती है, ये खुलती है और फिर ऐसे करके खुल जाती है। क्या बात है। हाँ, क्या ये बात अंदर है? इसके जो है इसकी पोशिश जो है ये। अच्छा, ये क्या है, ये मतलब हार्ड प्लास्टिक है, तो ये कैसे बनवाया? ये बेसिकली कराची की एक फर्म है जो ये चीज़ें बना रही है,
तो उन्हीं को मैंने वेबसाइट पे ढूंढा, उनको ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने फैसलाबाद भेज दिया। हाँ जी सर, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अच्छा सीट्स इसकी मूवेबल हैं? हाँ जी एडजस्टेबल, एडजस्टेबल हैं, ठीक है। आगे पीछे भी हो जाती है? आगे पीछे पीछे हो चुकी हुई है, लेकिन अभी मजीद एडजस्ट होने वाली है। अच्छा अच्छा, फाइन ट्यूनिंग है ना इसकी, ठीक है। अच्छा तो सर सबसे पहले ये बताएंगे जो डैशबोर्ड आपने इसमें लगवाया हुआ है, ये एज इट इज लग गया था? नहीं, ये काफी अल्ट्रेशन करनी पड़ी, मुझे वो मेहरान का डैशबोर्ड नहीं पसंद था। हाँ। तो मैंने उनसे कहा चेंज कर दें, तो कहते कि यार यही ठीक है, सब यही लगाते हैं। मैंने कहा हमने नहीं लगाना, तो वो मिस्त्री ने मुझे कहा कि आप कोई ऐसा डैशबोर्ड लाएं जिसकी लेंथ 52 इंचेस हो, ये एक माइलस्टोन था। तो वो मुझे मिले कोरे का, मैंने कहा वो भी इतनी दफ़ा देखा हुआ है। तो फिर ये था इसका जैपनीज वैगनार का, लेकिन इसका एक इशू था, इसके आगे से लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो खैर उसने काट के कहा जी मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, तो उसने फिर काट के मिस्त्री ने इसको इसके अंदर डाल दिया, एडजस्ट कर दिया। यानी कि वो कहता था कोई मसला ही नहीं है, अगर लोहा काटा जा सकता है तो प्लास्टिक तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा तो इसके बारे में ट्रांसमिशन का बताएंगे, इसमें मेहरान के अंदर तो कन्वेंशनल वो मैनुअल आते हैं, इसमें क्या चक्कर? नहीं नहीं, वो चूंकि इसका जो इंजन मैंने जैपनीज लिया है 660, तो वो ऑटो है सारा, उसका सस्पेंशन गियर वगैरह बाकी चीज़ें। अब वैगनार का जो था इसका ये कंट्रोल यहाँ पे था, तो वो इसका यहाँ पे आ रहा था ट्रेडिशनल जगहों पे ना, तो वो फिर मिस्त्री साहब से कहा कि यार जहाँ पे डैशबोर्ड है वहीं पे कर दो। वो कहता जी जैसा इंजन है वैसे करना पड़ता है। विंडोज, अच्छा विंडोज नहीं है इसमें, विंडोज का क्या चक्कर है? वो विंडोज निकलवा के इसको कट के बंद करवा दिए। अच्छा वैसे जैसे इस टाइम तो हम जरा अच्छे मौसम में निकले हैं, जरा मौसम ठीक है जी जी। तो अगर इसे फुल गर्मी में चलाना पड़ जाए तो इसकी छत वगैरह लगने का कोई सीन वगैरह है? इस तरह है कि फैसलाबाद में मुझे जो है ना कोई ऐसे मिस्त्री नहीं मिले कि जो कंप्यूटराइज्ड या मोटर वाली जिसे हम कहते हैं वो कर दें। तो मैंने इसकी ना देसी बनवा के घर में रखी हुई है पाइपों के ऊपर, वो पीछे डिग्गी में स्टील पाइप है, उनको नट बोल्ट करते हैं। ये आगे यहाँ पे मैंने ये बक्कल उसने मिस्त्री ने लगा रखे हैं ना, जैसे सैंडल के बक्कल होते हैं, तो वो उसके साथ हम कस देते हैं। टेक्स 3 मिनट्स डिसमेंटल के लिए, 3 मिनट लगते हैं इसको असेंबल करने के लिए। अच्छा सर आपको ये गाड़ी किसने बना के दी है? इस हाँ ये क्रेडिट जनाब मैं ज़रूर दूंगा, मैं 22 साल से एक ही वर्कशॉप से काम करवाता हूँ गाड़ियों का, तो उस डेंटर का नाम है बूटा, उस्ताद बूटा। तो ये मैंने उसको ये भी आइडिया दिया था, मैंने कहा देखो आप 30 साल से डेंटिंग कर रहे हो, मेहरान एफएक्स से लेके क्रूजिंग तक, कोई नहीं आपसे पूछता आप कितने पानी में हो, अगर आप किसी 10,000 मांगो वो 5 देता है, 20 मांगो वो 10 देता है, कहते ऐसा ही होता है। मैंने कहा ये गाड़ी आप मेरे कहने पे बना दो, इंशाल्लाह आप पूरे पाकिस्तान में हिट हो जाओगे। ये पीछे बैठे हुए हैं जी अब्दुल्ला शुएब साहब जी जी, ये बेसिकली आप कह लें कि जो है ना आइडिया जो था अब्दुल्ला का था, और वो इसने मुझे ऐसे पिच किया कि उसको इसने ना चैलेंजिंग किया कि छोड़ो पापा यहाँ पे कहता कौन सा बनता है, वो गोरे ऐसे चलाते हैं ऐसे बनाते हैं। मैंने कहा यार हमें गर्मी मार जाती है वरना हम भी ये बना लें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आइडिया इसका ठीक था, लेकिन जब इस तरफ आया मुझे हर बंदे ने कहा ओ जी मियाँ साहब जान दो तियां दा काटा। वो एक फैसलाबादी अप्रोच है कि हम किसी भी आइडिया के जवाबी तौर पर कहते हैं मुँह ढिला जा करके, एदा की फायदा तो ये निरा ही नुकसान था। और उसके बाद सर फैसलाबादियों का इफरान भाई मेरे साथ बैठे हैं, इनके तो जुगतों से बड़ा डर लगता है। हाँ जी ओए यकीन करें कि जब वो इसकी कॉस्टिंग बाकी चीजें होनी शुरू हो गई ना, तो मिस्त्री मुझे जुगते मारे हैं। वो कहते 7 लाख लात का था कि लेंटर पवाता। अच्छा तो सर आपने ये एक लेजेंडरी बॉस तैयार तो कर ली भी है जी जी। तो इसका मुझे ये बताएं कि जैसे अगर कोई मेरे जैसा आज का बच्चा छोटा सा एक बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा मेरी तरह का ये सोचता है कि यार मैंने इस तरह की मेहरान लेनी है और उसे इस तरह तैयार करना है, तो कितने बजट में उसे इस तरह की मेहरान मिल जाएगी और उसके बाद कितना टोटल खर्चा लगा आपका? बॉस मिलने का तो मुझे नहीं अंदाजा, ठीक है, क्योंकि हर बंदा तो नहीं बना रहा। मैंने ये गाड़ी ली थी 89,000 रुपीज़ की, बिल्कुल आप कह लें वो जीरो पे खड़ी थी ना, गली हुई गाड़ी कि इसका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ली थी कि डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा जी हैं। स्टार्ट भी नहीं थी, इसके टायर भी खत्म, यानी टोटल ख़त्म थी ये गाड़ी। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, तो वो मैंने ली है 89,000 की। उसके बाद आप कह लें कि इस हालत में आने तक अब तक मेरा इसके ऊपर 8 लाख लग गया, यानी कोई 7 लाख 10 हज़ार इन सब चीज़ों पर लग गया। तो फ्यूल एवरेज वगैरह क्या कर रही है उसका क्या है? मेरा मोहताज सा गैस है जो मैं इसमें फ्यूल डलवा रहा हूँ, ये शायद 15 कर रही है। ठीक है। अच्छा तो यार फरहान भी आपके तो 6 फुट हाइट है, इतना चिल कैसे बैठे हैं? यार मैं वही हैरान हूँ, मेरे पास भी मेहरान थी और मैं पीछे बैठता ही नहीं था, मैं कहता था नहीं चलाऊंगा भाई, मेरा कोई भी दोस्त आ जाता। सर ये इसका क्या जादुई राज है, आप ये इतनी लेग स्पेस इतनी ज्यादा कैसे? वो जो लोग गाड़ी जेन्युइन और बेचना चाहते हैं ना, पूरा उनको एक फोबिया पूरे पाकिस्तान में, एक वर्ड यूज करेंगे जेनियन गाड़ी फुल गाड़ी भी है। मैं उसे कहता हूँ भाई एंजॉय करो चीजों को और यूज करो और आगे निकलो। तो ये मिस्त्री साहब से मैंने कहा कि यार मेहरान के क्या इश्यूज होते हैं, कहता ये लेग स्पेस, पीछे कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा कितनी लेग स्पेस होती है, कहता जी वो सीट टू ये 9 इंच। मैं यार इसको कर दो 21 इंच। अच्छा कहता पाइन हो किदा होनी है, मैं सीट इतने ढो पीछे कर दे। तो ये देखिए सीट मैंने इसकी एक्स्ट्रा विड्थ करवाई हुई है, इसकी सीट की विड्थ होती है 12 इंच, मैंने करवाई है 16 इंच विड्थ। और ये जो यहाँ पे देखें ये इसके यहाँ पे होती है, ये
तो इसको सारा पीछे कर दिया। फिर इसकी जो बैक सीट है उसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल ज्यादा किया, टिल्ट ज्यादा किया जानबूझ के, हां कि पीछे वाला मजा तो करे, मतलब सर चिलिंग फुल चिलिंग। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मैं तो कह रहा था यार। और फिर इसमें ये कि ऊपर जो पेट्रोल लिड है वो भी ये मैंने अंदर से करवाया हुआ था, हां वो एक बड़ा इशू होता है भाई, चाबी दे दो, भाई चाबी बढ़ाना सर, सबसे ज्यादा मेहरान की शर्मिंदगी है, चाबी दे दो। ये सबसे पहले मैंने करवाया था पेट्रोल पंप पे जाके ना, मैंने कहा यार लिड ये अंदर से करना है, ये उससे करना है। तो वो डेंटर अच्छा बंदा था ना, वो हर बात भी यही कहता था पाए थोड़ा खर्चा बहुत हो जाना है। तो मैंने खैर ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसको पार्क व्हील आएंगे मेरे पास, डेफिनेटली वो एक एज का तकाजा होता है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, बुला लें जरा इनको, इनका थोड़ा हो जाए एक एक फिक्र यार। अब्दुल्ला उमर आना था यार तरह। तो ये हैं जी हाफिज अब्दुल्ला और आ जाए अफरीदी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सी ए में उन्होंने मुझसे पढ़ा है 1.5-2 साल पहले, मैं शौक के तौर पर सी ए और एम बी ए को पढ़ाता भी हूँ। तो ये कल आए मुझे गुड़ देने, तो इनकी नजर थी, मैंने छुपा के रखी हुई थी कैमोफ्लाज, सर ये क्या है कवर उतारा, तो कहते इस तरह है। फिर भी मैंने सोचा कि यार आज 19 मई है, इट विल टेक 2 मंथ्स, क्योंकि आपकी जो बुकिंग्स और बाकी चीज़ें होती हैं आई कैन अंडरस्टैंड के एक लाइफो फाइफो सिस्टम बना होता है ना। तो सुबह इसने कहा जी वो आ रहे हैं, और मैंने कहा यार उसके तो मैंने अभी 20 काम लिख के रखे हुए हैं, इसका शोर बड़ा हो रहा है बाकी छोटी छोटी चीज़ें। तो कहता जी नहीं, फिर अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा, कहता पापा वो अंकल सुनील मान जाएंगे, मैं कहा पुत एक ही मर्सिडीज S22 है वो उन्होंने अपने लिए रखी है, कहता इस पे कौन आएंगे, मैं कह रहा हमें पता ही नहीं होगा जो आएंगे। इसने आपके बाद देखा, कहता वो फरहान अंकल और दिले शाह आए हैं, मैं कहा बेटा इस उम्र में पीते हो यार, कहता नहीं यार एक मिनट यार मेरा नाम है जिले सुभान, मुझे जिले शाह बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, तो जिले सुभान नाम है यार भाई। वो शान की मूवी आई थी ना जिले शाह, तो फिर जिले के साथ शाह लग गया ना, जैसे तारे के साथ बंदा मूड लगा देता है, हाँ। खालिद के साथ इकबाल लगा देता है, तो हमने आपको दिले शाह बना दिया। नहीं मैं कहा आज एक दफा बता दूं सारे लोगों को। तो ये दिस इज व्हाट, ये चीजें हैं, और थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, या मैंने इस गाड़ी को रखा हुआ शाम 8 से सुबह 8 बजे तक चलाने के लिए ना, कि ये उस वक्त हम फन करते हैं, चलो निकल जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतना शौक, इतने शौकीन मतलब आप मिले हैं ना, मतलब दिल खुश हो गया मेरा तो। वैसे मैं भी ये कहना चाहता हूँ, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पार्कविल इज सो विजिलेंट। मेरा ख्याल था कि चूंकि नाउ यू आर 100 मिलियन कंपनी, आपके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, व्यूअरशिप है, तो डेफिनेटली काफी यहाँ पे गर्दन में एटीट्यूड और वो आ चुका होगा। मेरा ख्याल था कि अच्छी खासी होगी कि भाई मुंह धो यार, तो अब मेहरानों के रिव्यू करवाएगा। तो जब इसने कहा वो आ रहे हैं, तो दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो यार अगर आप लोगों के दिल में भी ख्वाहिश आ गई कि यार आपने कोई जबरदस्त किस्म की गाड़ी तैयार करनी है, इस तरह का प्रोजेक्ट करना है, तो पार्कविल्स के ऊपर जाएं, अपने बजट के अंदर जाके इस तरह की मेहरान ढूंढें, और बूटा साहब का नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उनसे जाके इस तरह की गाड़ी तैयार करवा लें। और वैसे भी अगर आपको लोकल मैकेनिक वगैरह से भी करवाना चाहे तो जाके करवा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो तो पसंद आ गई है, कॉमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें लेके जाना है 2 मिलियन के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।